स्टेज पे बैठे हुए हमारे महबूब वज़ीरे आला सैयद गुलाम अली शाह साहब, सैयद अमन शाह साहब, प्रोफेसर वलेरिया, सेक्रेटरी कल्चर नसीम सैद, डॉक्टर कलीम लाशारी साहब, एंड आई सी अ गैलेक्सी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन दिस ऑडिटोरियम। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं ये भूल जाऊंगा, अगर ये मैं बात भूल गया तो जिस आंगन पे बैठे हैं हम उसके रूए रवां को बिला मुकाबला मुबारकबाद जीतने की मुबारकबाद ना देना अमन शाह साहब को, कि जिस तरह उन्होंने इस आर्ट्स काउंसिल को एक एपी सेंटर बनाया है कल्चरल एक्टिविटीज़ का, ये क्रेडिट गोज़ टू अमन शाह जिस इस आलीशान इमारत में आज हम हेरिटेज पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध हिस्टोरिकली सदियों से सिंध का चप्पा चप्पा तारीख और तहजीब का कहीं ना कहीं उनके निशान है, उसका गहवारा रहा है। यकीनन हेरिटेज सिंध में फैला हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर आप जाएंगे कई साइट्स हमारी एक्सप्लोर्ड हैं, एनलिस्टेड हैं, और कई साइट्स स्टिल ना उनको प्रॉपरली हम तक पहुंच पाए, ना उनको हम एनलिस्ट कर पाए, ये मुझे अंदाज़ा है इस बात का। बहुत हमें साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। जिस तरह हमने इटालियन जो मिशन जितने साइमन और प्रोफेसर वलेरिया और उनकी टीम जिस तरह उन्होंने सिंध पे काम किया है, जैसे फ्रेंच आर्कोलॉजिकल मिशन जैसे चाउन जोधड़ों पर काम कर रही है, हमें मज़ीद ऐसी इंटरवेंशन हमें चाहिए इंटरनेशनली, क्योंकि फॉरन इंटरवेंशन के बगैर ना ये मोहनजोदड़ो हमारा जो जमाने में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक्सप्लोर हुआ था और एक्सकेवेशन हुई, सर जॉन मार्शल ने जिस तरह लीड किया, डॉक्टर बैनर्जी ने, मुजमदार, बहुत से लोग थे, तो हमने हमेशा डिपार्टमेंट वेलकमिंग रहा है कि जितनी भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो इस हवाले से हम उनको, हमने कोशिश की है जितने हमारे वसाइल हैं उनको सामने रखते हुए भी हमने कोशिश की है कि हम उनको फैसिलिटेट करें और हम उसको इस काम को आगे ले चलें। इसी कंटिन्यूटी में जैबिस के साथ हमने सोचा कि हमारे पास कोई आर्कोलॉजिकल रिसर्च सेंटर नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स तो आर्कोलॉजी के मौजूद हैं, मगर कोई आर्कोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, कोई हमारे पास लेबॉर्ट्री हो, साइंटिफिक लेबॉर्ट्री हो जहाँ पे कार्बन डेटिंग से लेकर सारी साइंटिफिक रिसर्च हो सके, वो कल्चर डिपार्टमेंट ने जैबिस्ट की कोलाबरेशन से बम्बोर पे आर्कोलॉजिकल सेंटर बनाने का जो हमने स्कीम हमारी पाइपलाइन में है और बहुत जल्द उसका काम भी शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर में हमारे साइंटिफिक रिसर्च को आगे ले जाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सेंटर। हमने कोशिश की है, मैं कोई बड़ी दावा नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये फकत मिनिस्ट्री का काम नहीं है। हमारे हेरिटेज को या वर्षे को बचाना ये फकत मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में सोसाइटी को ओन करने की ज़रूरत है, ये सोसाइटी को अवेयर करने की बात है कि हर बंदा जब तक अपने वर्षे को ओन नहीं करेगा हम इसको बचा नहीं पाएंगे। अब ये तो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी अभी हम नमूदार हुई है जिससे इतना बड़ा डैमेज हुआ है हमारे आर्कोलॉजिकल साइट्स पर, ये तो बहुत कम साइट्स होंगी जो मेरे ख्याल में जो नॉन हैं साइट्स, ये उनकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, सिर्फ में कई आर्कोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो उनको नुकसान हुआ होगा, कई तो बहुत नुकसान से बल्कि वो ख़त्म हो चुकी होंगी, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आई बिन रोबिंग इन द प्रोविंस, मैंने देखी है वो साइट्स, क्योंकि आसार कदीमा बहरान कदीम है। इस दौर में जब इतनी बड़ी बारिश अनप्रेसिडेंटेड रेंट सिंध की तारीख में कभी नहीं हुई कि 1100 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल हमारे सूबे में हुआ, जब लोगों के घर नहीं बच पाए, लोगों के जो जमींदारों के घर और बंगले नहीं बच पाए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे आसार कदीमा जो 500 साल, 800 साल, 1000 साल, 5000 साल जो एंशिएंट साइट है उसको सस्टेन करना ये बहुत मुश्किल का था, डेफिनेटली आफत है। इंसान लड़ा है नेचर से, नेचर अपना रिवेंज लेगा, जैसे डॉक्टर लाचारी ने कहा कि मुझे लड़े के लोगों ने जो किया। तो सिंध में जहाँ हर सेक्टर में हुआ है वहाँ पे हेरिटेज भी बहुत मुतासर हुआ है, एजुकेशन का भी इतना ही लॉस हुआ है, 20,000 स्कूल्स हमारी जो है इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम बच्चों को उनके अंदर उन बिठा सकें, उनके रूफ के नीचे वो बैठ सकें। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा टाइम है जिस पर हमें रियलाइज करना है,
हमने कोशिश की है, मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई बड़ी, मैंने दावा नहीं किया, हमने कोशिश की है कि सिंध में एक कल्चरल एक्टिविज्म हो। मैं ये नहीं कहता, दूसरे सूबों को आप कंपेयर करके देखो, मैं हर जगह मैंने ये बात की है, दूसरे सूबों के कंपैरिजन में वहाँ पे भी हड़प्पा मौजूद है। आपने हड़प्पा पे कभी कोई कॉन्फ्रेंस, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई बड़ा सेमिनार आपने सुना कोई रिसेंट पास्ट में हुआ? टेक्सला वहाँ पे है, टेक्सला पे आपने कोई देखा कोई काम हुआ हो? हमने कोशिश की, हमने वो जो लिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा टूटा हुआ था उसको जोड़ने की हमने कोशिश की, हमने उसको जेटिजन किया, हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मोहनजो दड़ो की, इंटरनेशनल स्कॉलर्स को वहाँ पे बुलाया, हमने मकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने बुलाया, क्योंकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम तो सोच रहे थे कि हम मजीद यूनेस्को के साथ उनको उनसे रुजू करें और हमारी कुछ और साइट्स जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में हमें शामिल करवाएं, पर मगर इस कोविड के बाद बैक टू बैक ये जो आई आफत जो आई फ्लड की शक्ल में, इसमें बहुत सा काम हमारा पीछे रहा है। और मैं इस इरादे के साथ आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट स्पेशली माय कायद बिलावल साहब, वो बहुत इंटरेस्टेड है हेरिटेज में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को मोहनजोदड़ो पे लाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को बाद अगर कोई इंटरनेशनल वहाँ पे लोग आए तो वो बिलावल भुट्टो थे जो यूएन सेक्रेटरी जनरल को मोहनजोदड़ो पे लाए। और हमेशा सीएम साईं मुराद रिशा साहब हमेशा हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे हैं, जितनी हमने कोशिश की है, क्योंकि ये जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना है, क्योंकि ये काम कोई 10-11 साल का नहीं है, ये हेरिटेज तो पाकिस्तान बनने के बाद, पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसके बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट के पास था, और फेडरल गवर्नमेंट के पास था वो कितने पैसे हेरिटेज पे लगाते थे, कितना खर्चा करते थे, मैं नहीं कहता, वो 10 साल पहले जाके उनकी बजट आप देख लें कि हेरिटेज की बजट कितनी होगी, कोई 20-25 लाख सिंध और बलूचिस्तान के लिए रखते थे कि आप जाके आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन करें अपनी साइट्स पे। मगर सिंध गवर्नमेंट के जितने भी वसायल हैं उसके रहते हुए भी उन्होंने फयाजी का मुजाहरा किया है, जनरोसिटी का किया है, कोशिश की है हमने, क्योंकि हमारे पास कोई 4,000 से ज़्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं खाली सिंध में, 1700 तो खाली कराची में है। उसमें जो दो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, एक हमारा 1974 का था और दूसरा 94 का था, फिर हमने मेरे डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी साहब को कहा कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हेरिटेज और आर्कियोलॉजी के साथ, उनको बिठा के कॉम्प्रीहेंसिव लॉ जो है वो लाए, जिसमें डॉक्टर मारी मजर साहबा भी उनका इनपुट भी उसमें शामिल है, और जितने भी हमारे दूसरे हैं उन सबका इनपुट उसमें शामिल है। वो लॉ डिपार्टमेंट में अभी लॉ जो है वो भेज दिया है, बहुत जल्द जो है वो कैबिनेट में वो लॉ आएगा कि कॉम्प्रीहेंसिव लॉ हो, इसके बगैर हम नहीं बचा सकते अपने हेरिटेज को। तो हमने कोशिश की है, और मैं इसके साथ के ये मोहनजोदड़ो का 100 साल तकरीबात का साल है, 22-23 दोनों साल, खाली 22 नहीं है, 22 और 23 दोनों जो है वो साल है जब ये एक्सकैवेशन हुई थी मोहनजोदड़ो पे, और ये जो प्लैनेट पे एक आलिशान तहजीब जो है वो नमूदार हुई और दुनिया को पता चला कि ये भी तहजीब थी सुमेरियन और इजिप्शियन के कॉन्टेम्प्रेरी, जिन्होंने दुनिया को कपड़ा पहनाया, जिन्होंने दुनिया को पहिया दिया, जिन्होंने दुनिया को इंडस्ट्रीज दी, और जो जिन्होंने दुनिया को कलर दिया, जिन्होंने लाइफ को लाइफ दी, जिंदगी को जिंदगी दी, वो मोहनजोदड़ो यहाँ के बासी लोग थे। हमें इस अपनी पास्ट की इस ग्लोरी को और मजीद गैल्वेनाइज करना है, इसको आगे ले चलना है इस कमिटमेंट के साथ। और साईं मुरादी साहब का शाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मैंने कहा कि सही, आज हमने इस शुरुआत का पहला जो आज रखा है वो एग्जीबिशन है कि इस थीम पे, थीमेटिक इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो पे कभी इतना आर्ट वर्क नहीं हुआ है जितना इस साल अभी हमारे आर्टिस्ट ने किया है, जो यू कैन सी इन द गैलरीज, और इनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो वर्क है हम यूनेस्को ले जाएंगे और वहाँ पे भी हम डिस्प्ले करेंगे यूनेस्को हेडक्वार्टर में, जहाँ पे इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो भी देखेंगे। पब्लिकेशंस तो बहुत है, मैं सारे काम नहीं गिनवा सकता यहाँ पे, जितना कुछ हुआ है वो सबके सामने है, क्योंकि ये सारे हमारे पार्टनर भी हैं, स्टेक होल्डर भी हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो इनमें है वो आर्कियोलॉजी से और हेरिटेज से मुंसलिक है, यूनिवर्सिटीज से उनका ताल्लुक है, और किसी न किसी शक्ल में वो हमारे साथ उनका काम है शामिल हाल रहे हैं। तो मैं इस आदे के साथ के हमारा इस टेन्योर का जितना भी बाकी टाइम बचता है, हमारी पूरी पूरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा हम कल्चरल एक्टिविज्म लाएं, कल्चरल एक्टिविज्म नॉट इन द शेप के हम फेस्टिवल करेंगे, सेमिनार करेंगे, मगर उसके साथ साथ जितना रिसर्च वर्क है, आर्कियोलॉजी का है, कंजर्वेशन का काम है, इसमें भी हम मुकम्मल तवज्जो के साथ और कमिटमेंट के साथ
ये हम अपने टेरिटरी में ये हम काम करेंगे। और उसके साथ में आपको एक दूसरी दावत भी देता जाऊं कि 16 तारीख को पोर्ट ग्रैंड में हमारे आर्टिजन्स की जो सिंध के हुनरमंद लोग हैं, सिंध की वो बूढ़ी औरतें जो इस फ्लड में डूबी हुई भी होंगी, मगर उन्हें कोई गज बनाया होगा, कोई रैली बनाई होगी, अपनी आंखों का नूर जो है उन्होंने सुई के थ्रू उस कपड़े पे उतारा होगा, तो आप उस पर आइएगा उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये फ्लड विक्टिम्स जो हैं उनकी एग्जीबिशन है, वो जो आर्टिजन्स हैं उनकी एग्जीबिशन है पोर्ट ग्रैंड में 16, 17, 18, प्लीज़ डू कम, हम वहाँ पर आपका इंतज़ार करेंगे। और सी एम साहब ने भी उस पर चक्कर आएंगे, उस पर वो भी विजिट करेंगे, वो देखेंगे उनका काम। और वहाँ पर हमने कमिटमेंट की थी, असकंदर नदीम सैयद साहब ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पैनल में हम बैठे थे, तो वहाँ पे उसने कहा कि हमारी जो फोक म्यूजिक है, जो हमारा असासा है मूसीकी में, वो कोको कोला की बोतल में फंस चुका है। उसका उसके वर्ड्स थे कि वो कोक के आ गया है चुंगल में। तो मैंने उस उसी वक्त हमने कहा हम इसको कोक से लोक की तरफ लाएंगे, और लोक स्टूडियो की लॉन्च भी है जिसमें आप कुछ हमारे एफर्ट्स जो है वो भी देखेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे मेरे जो हमारे लीड कर रहे हैं हमारी टीम को, हमारे जो कैबिनेट के हमारे जो लीडर हैं, स्किपर हैं सिंध के, सैयद मुरादशाह साहब के, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।